चलो चले मितवा अंकल जी। सो हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप सब बढ़िया। इसी के साथ दिस इज राज एंड वेलकम बैक टू द चैनल आरसी फैम। और आज के दिन की शुरुआत भाई सुबह सुबह हो गई, 5 बजे उठ गया मैं तो। अभी टाइम हो रहा है 10:30 और अभी मैं निकल रहा हूँ फिलहाल करोल बाग के लिए, क्योंकि मुझे कराना है थोड़ा सा वेंचर में काम, जो कि है इसकी सीट मॉडिफाई करानी है और आगे एक विंडस्क्रीन लगवानी है और छोटे मोटे काम और हैं 2-3, वो सब कराने हैं। और गर्मी बहुत हो रखी है इस टाइम पे, फिलहाल नहा धो के फ्रेश हो गए हैं, हालांकि लग नहीं रहूंगा अभी। फटाफट गोप्रो लगाते हैं हेलमेट पे और निकलते हैं करोल बाग के लिए मोटो व्लॉगिंग करते हुए। और अभी मेरे साथ अल्फा भी जा रहा है अपनी बाइक लेके, उसको भी थोड़ा बहुत काम कराना है अपनी बाइक में, तो दोनों काम हो जाएंगे बढ़िया दोनों बाइक में एक साथ। क्योंकि अभी मैंने जैसा लास्ट राइड में बताया था कि हमारी एक लॉन्ग राइड प्लान हो रही है, जो कि हमारी 15 जून से हम लोग डेट फिक्स करी है अभी, बाद में कुछ भी चेंज हो सकता है, फिलहाल तो इतना ही है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा काम कराना है। ओके तो गाइस, मेरे इस मोटो व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आज है संडे, तो बढ़िया खाली मिल रही है रोड, थोड़ी ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन धूप हो रही है अच्छी खासी। और इस धूप और इस गर्मी को मद्देनजर रखते हुए मैंने पहनी हुई है चप्पल, ये मेरा समर लुक है। ओके, ये मेरे शॉर्ट्स विद क्लॉग्स, क्लॉग्स बोलते हैं इनको, क्लॉग्स और टी शर्ट। तो मैं आज ऐसे ही जा रहा हूँ, बिकॉज बाइक में जो काम कराना है भाई वहाँ पे बहुत टाइम लगने वाला है, तो जिससे कि हमें वहाँ पे बहुत देर वेट करना पड़ेगा, तो भाई मेरे बस की नहीं है जीन्स वीन्स पहन के जाना है। तो बढ़िया हम लोग अपने समर लुक में जा रहे हैं आज। टेणे टेणे टेणे। और भाई सच बताऊँ, ये जो बाइक है ना एवेंजर, इसको भाई मतलब चलाने में ना मज़ा आता है, नो डाउट, बढ़िया मैनूवर होती है एकदम। मतलब इस पे ना मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया अपनी जावा 42 से ज़्यादा चलाने में। और ब्रेकिंग वगैरह भी अच्छी है नो डाउट, बस इसमें पीछे भी अगर डिस्क दे देते और ABS दे देते तो भाई मज़े ही मज़े। और भाई अभी आप सबको बता दूं कि मैं एक न्यू बाइक लेने का प्लान कर रहा हूँ, बहुत ही जल्द आपको पता चल जाएगा, 1-2 दिन में हम अपनी बुकिंग कर देंगे उस बाइक की, तो बस उसके बाद फिर बढ़िया बाइक लेंगे न्यू। अभी थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहा हूँ 2 बाइक्स के बीच में से, मतलब कुछ डिसीज़न है वो लेना है बस, बाकी सब सॉर्टेड है। और अभी मैं पहुँच गया हूँ ये सेक्टर 16, और अभी मेरे को अल्फा मिलेगा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन पे, बिकॉज वहीं से हमें दिल्ली के लिए निकलना है। आज हम दोनों ही जा रहे हैं और कोई भी नहीं आज हमारे साथ, मोटा पैसा मोटी चेन। देखो बिल्कुल खाली आज। अरे यार हमारी ग्रीन हो रखी है, वैन चल क्यों नहीं रहे। चलो चले मितवा अंकल जी। वहीं रुक गया पागल, बताओ अभी हो जाती अच्छी खासी राइड मेरी। वैसे मैंने कुछ पहना नहीं है, घुटने और छिल जाते मेरे आज। अभी पता है क्या हुआ, पीछे रेड लाइट पे मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, तो टर्न था पीछे, मैं रेड लाइट पे खड़ा था, तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे, तो एक बंदा आया स्प्लेंडर पे और उसने मतलब प्लेयर ने हेलमेट नहीं पहना था, तो उसको ना रोका उन्होंने। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, बहुत बढ़िया। देखा गाइस, इसीलिए बोलते हैं लड़की बिठाने के बाद ना पीछे ना रॉकेट हो जाती है, मतलब आई मीन रॉकेट लड़की नहीं हो जाती, स्कूटी और बाइक हो जाती है, मतलब लॉन्डे रॉकेट बन जाते हैं। और एक बार यहाँ पे भी मेरा एक्सीडेंट हुआ था कार से, 3 लड़की दबा दी थी मैंने, 1 लड़का 2 लड़की दबा दी थी बिल्कुल। गलती उन्हीं की थी वैसे, जैसे मतलब साइड से आ रहे थे ना, वो बीच में घुस गए थे। सेक्टर 15 में पहुंच गया और मुझे पक्का पता ये पहुंचा नहीं होगा। 2000 years later. तो गाइस अल्फा भी आ गए साथ में और अभी निकल गए हम, लेकिन बहुत लेट आया भाई ये, 1/2 घंटा खड़ा रहा हूँ मैं। टाइम की कोई कीमत नहीं है, इंसान को इंसान की कोई कदर नहीं रही आजकल। इतनी गर्मी में मैं जा रहा हूँ करोल बाग गाइस आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। इसी बात पे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो गाइस दिल्ली के पॉश एरिया में आपका स्वागत है। ये देखो भाई इतना बढ़िया बना रखा है ना यहाँ पे, बहुत सुंदर लगता है देखने में। ये देखो रॉक बैलेंसिंग, क्या बात क्या बात। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं करोल बाग मार्केट, और भाई आज भीड़ नहीं है भाई यहाँ पे, क्या बात है क्या बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, संडे है और करोल बाग में भीड़ नहीं है भाई। और अभी हम जा रहे हैं पहले SKD, क्योंकि इसको लगवानी है टेल टाइडी। तो गाइस जब तक अल्फा अपनी बाइक में टेल टाइडी लगवा रहा है, मैं जा रहा हूँ सीट कवर वाले के पास। यहाँ पे बताया 16 नंबर गली में कोई नई दुकान खुली है, ये है कौन सी है, ये 16
16 16 16, हाँ यही है क्या? वहाँ पे बता रहे हैं कि भोला नाम से है कोई 16 में, तो उसकी दुकान पे हो जाएगा काम। चलो देखते हैं, पहले पूछते हैं किस पे बस है। भैया गली नंबर 16 कौन सी है? यही वाली है। बंद है यार, इधर से खुली है क्या? नहीं, अब तो खजांची पे जाना पड़ेगा, बिकॉज एक दुकान पे और गया था, उसने भी मना कर दिया। खजांची पे मैं जाना नहीं चाहता यार, क्योंकि ना वो बहुत ही ऊपर है यार, 5वीं मंजिल पे है, ट्राई भी नहीं कर पाते ढंग से सीट को लगा के। चलो देखते हैं अभी। तो गाइस हमारी सीट रेडी हो चुकी है, और ये सीट लगवाई हमने 35 नंबर, और ये मैंने कराया खजांची स्टोर से। मस्त एकदम, अब अच्छा बैक सपोर्ट मिल जाएगा इसमें। यहाँ हो रहा है अपने विंडशील्ड का काम, और यहाँ हो रहा है बैक रेस्ट का काम, दोनों एक साथ। देखो विंडशील्ड लगने के बाद क्या बढ़िया लुक आ रहा है भाई इसका। दूसरी वाली विंडशील्ड भी नहीं हटानी पड़ी, एज इट इज लगी है, उसके ऊपर ही लग गई है। मेरी बाइक में भी काम हो गया है, और अल्फा की बाइक में भी काम हो गया है। और यहाँ पे देखो रिएक्शंस क्या मिल रहे हैं बाइक के। सर बिग फैन, जल्दी चलो लेट हो रहे हैं। भाई ये देखो, ये लुक आ रहा है अब। सो गाइस करोल बाग से निकल गए फाइनली, और भाई मैं 12 बजे पहुंच गया था, और अभी 4:30 बज गए, तो 4.5 घंटे, और अपना काम भी सारा हो गया, बस फुटबोर्ड्स नहीं मिले। टोटल खर्चा जो है ना अभी सारा काम कराने में, जिसमें कि इंक्लूडेड है सीट नहीं लगी है, और ये सामने विंडशील्ड लगी है, और बैकरेस्ट विद कैरियर वाला, और ये मोबाइल माउंट BSDDP का, ये सब मिला के टोटल खर्चा विद फिटिंग्स, मतलब टोटल खर्चा हुआ है 4,000 रुपये। ओ भाई ट्रैफिक हो गया थोड़ा सा इस टाइम पे। अब मेरे को ना ऐसा फील हो रहा है कि यार ये ना ब्लैक लगवा के गलती करी है, थोड़ी सी रात में डिफ़िकल्टी हो जाएगी, शाम में इसको देखने में। आगे जाके चेंज करवानी पड़ी तो ओरिजिनली लगवाएंगे। अभी जाके देखूंगा इसका व्यू कैसा आ रहा है। थोड़ी सी मुझे टेढ़ी लग रही है बस, ये इस तरफ ज़्यादा लग रही है, लेकिन सामने से बिल्कुल परफेक्ट है। एक्चुअली थोड़ा इसका जो मतलब कटिंग होगी ना, वो सही नहीं होगी ना, बिकॉज ये लोकल चीज़ है यार, लोकल तो लोकल ही होता है। लेकिन इसकी सीट भाई अल्टीमेट, मज़ा आ गया सीट पे चलाने में। मतलब जो भी चलाएगा ना इसको भाई, उसको काफ़ी कंफर्ट मिलने वाला है इस बाइक पे। अब मैं पहले सोच रहा था ना कि जो राइडर होता है, राइडर के लिए भी बैक रेस्ट आता है, वो लगवा लूँ, लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा था। 3,500 रुपये का सिर्फ वो बैक रेस्ट लगा के दे रहा था, और बोल रहा था शाम तक सीट मिलेगी। मतलब सीट में इतना टाइम लग जाता भाई बनने में, तो इसीलिए ये वाला करवाया। लेकिन अब लग रहा है कि हाँ ये वाला ठीक कराया है, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक बैक को सपोर्ट है।